पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, आईन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों से खिताब, कहा पार्लियामेंट को तीन रुकनी बेंच के इकदामात पर तहफ्फुज़ात हैं। इत्तेहादी मुत्तफिक हैं कि पार्लियामेंट की मुद्दत 13 अगस्त को खत्म होनी है, इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। वफाकी काबीना में इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास के फैसलों की तौसीक। ऑडियो से 3 और 8 रुकनी बेंच के मुतनाज़ा फैसलों के पसे पर्दा, असल अवामिल मजीद वाज़ह हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के सरबराही इजलास का एलामिया जारी, हुक्मरान इत्तेहाद का पार्लियामेंट की करारदादों पर अमल दरामद का फैसला। एक शख्स की अना की खातिर असम्बलियाँ तोड़ दी गईं, 7 में से 4 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पार्लियामेंट और सैनेट की कायम कमेटियाँ भी अक्सरियती फैसले को मानती हैं, ऐवान अकलियती फैसले पर अमल करने का पाबंद नहीं होगा।